पंधाना रोड पर 10 अगस्त को हुए हत्याकांड मामले में पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मामले के मुख्य आरोपी फिरोज उर्फ राजा पिता अकरम खान, उम्र 24 साल, निवासी गुलमोहर कॉलोनी को खंडवा पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दुबे कॉलोनी निवासी धनराज की पंधाना रोड पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। धनराज सब्जी बेचने का काम करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज का सतत अवलोकन एवं मुखबिर सूत्रों के माध्यम से आरोपी की पहचान राजा और फिरोज के रूप में हुई थी। पुलिस द्वारा इस मामले में सतत तलाशी अभियान चलाया गया और तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी राजा उर्फ फिरोज को भगाने में मदद करने वाले आरोपी सोहेल पिता मुबारक निवासी बड़ा कब्रिस्तान को 11/8/2020 को पकड़ने में कामयाबी मिली थी। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। एक टीम को भोपाल भी भेजा गया था, जहां से मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। जी हाँ, जो महिंद्रा शोरूम के सामने जो एक युवक की चाकू मार के हत्या की गई थी, उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अलग अलग टीम गठित की गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर तंत्रों के आधार पर लगातार उसकी अलग अलग जिलों में खोजबीन की गई। हम लोगों ने अलग अलग टीम रवाना की, साइबर सेल की मदद ली गई और इसके बाद हमें जो उसका जो मुख्य आरोपी था फिरोज उर्फ राजा, ये गुलमोहर कॉलोनी का निवासी है, उसको पकड़ने में हमें सफलता मिली। सर, इसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है या इस तरह का, इसका किसी तरह का इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी फिरोज की गिरफ्तारी में नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे, थाना प्रभारी मोघट बीएल अटुदे, कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई, उप निरीक्षक यशवंत भड़ोले, रामप्रसाद गौसम, रामप्रकाश यादव, सुलीन रणवीर, महेंद्र आरक्षक अमित, कोतवाली आरक्षक जितेंद्र, सुनील का महत्वपूर्ण योगदान रहा। न्यूज़ फर्स्ट खंडवा।